हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। जो इंसान संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं, जो बहुत नए नए संविधान उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, उसकी दलीलें देते रहते हैं, उसकी बात हर जगह करते हैं, इतना भी उनको ज्ञान नहीं है उस लाल किताब का, उस अहम किताब का। कोई भी स्टेट सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये उसके अधीन नहीं है कि वो स्टेटहुड दे या ले। वो महाराजा जिसके लिए हिंदू मुसलमान एक था, उनका धर्म था, वो उनकी जनता, उनका आवाम जिनको इतना वो चाहते थे, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने हटाया और एक महाराजा एलजी को लाए। भाई जब यूटी होगी तो एलजी होगा। पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में ये काम पहले कभी नहीं किया गया। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। जो इंसान संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं, जो बहुत नए नए संविधान उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, उसकी दलीलें देते रहते हैं, उसकी बात हर जगह करते हैं, इतना भी उनको ज्ञान नहीं है उस लाल किताब का, उस अहम किताब का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के आईन का, कि उनको ये भी नहीं पता कि कोई भी स्टेट सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये उसके अधीन नहीं है कि वो स्टेटहुड दे या ले। ये बात आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 और 35A जब एब्रोगेट किया गया, हटाया गया, तब ये बात तय थी कि तब तक के लिए यूटी है लेकिन स्टेटहुड दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी, पार्लियामेंट में की है। तो एक तो पहली बार कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, दूसरी बात ये संभव ही नहीं है। खुदा ना खास्ता ना तो उनकी सरकार बन रही है, और अगर खुदा ना खास्ता बन भी गई तब भी नहीं दे पाएंगे या ले पाएंगे, क्योंकि ये किसी भी राज्य सरकार के अधीन नहीं है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं आज उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने जो राजा हरि सिंह के बारे में जो कहा कि उन्होंने महाराजाओं को हटाया है, किस तरह की बात कर रहे हैं? उस महाराजा जी की वजह से, वो महाराजा जिसके लिए हिंदू मुसलमान एक था, उनका धर्म था, वो उनकी जनता, उनका आवाम जिनको इतना वो चाहते थे, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने हटाया और एक महाराजा एलजी को लाए। भाई जब यूटी होगी तो एलजी होगा, ये तो संविधान का ही हिस्सा है ना।
अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो उसका मुखिया तो एलजी होगा, ये तो बुनियादी बात है। स्टेट होगा तो उसका गवर्नर होगा, तो किस तरह की उल जलूल बात वो करते हैं कि वो अपना मजाक उड़वाते हैं।